हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम पोहा बनाने वाले हैं। वैसे तो पोहा की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मैंने पोहा स्टीम करके बनाया है। स्टीम करके बनाने से ये पोहा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मुंह में रखते ही घुल जाता है। चलिए स्टीम पोहा बनाना शुरू करते हैं। स्टीम पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी पोहा लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, नमक स्वादानुसार, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 छोटे चम्मच मूंगफली, 1 गिलास पानी और मसालों में 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच राई। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है जिसमें हम पोहा को स्टीम करने वाले हैं, और नीचे भी मैंने एक बर्तन लिया है। तो सबसे पहले हम इस बर्तन में पोहा डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से सोक कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पोहा को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ये जो हल्दी पाउडर है ये डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 गिलास पानी डाला है। पानी जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसके ऊपर पोहा का जो बर्तन है ये रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीमर में भी पोहा को स्टीम कर सकते हैं। पोहा जब तक स्टीम हो रहा है तब तक हम इसका जो तड़का है वो तैयार कर लेंगे। अब हम इस गैस पे जो तड़का वाला पैन है वो रखेंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें जो तेल है वो डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई डालेंगे, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें जो मूंगफली है ये डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मूंगफली जब तक सुनहरी नहीं हो जाती तब तक इसे पकाना है। तो ये देखिए, ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो पोहा है वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब हमने जो तड़का बनाया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पोहा में प्याज अच्छा लगता है तो हरी मिर्ची के बाद आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये पोहा बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही खिला खिला पोहा बनता है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से धनिया डालेंगे, उसके बाद इसमें बारीक सेव डालना है। अब हम इसमें ये जो अनार के दाने हैं ये डालेंगे, और अगर आपके पास अनार के दाने नहीं हैं, तो पोहा स्टीम करते वक्त आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हल्दी तो कच्ची ही रह जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्दी इसमें बहुत अच्छी तरह से पक जाती है, बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोहा बनाएं तो इस तरीके से जरूर बनाइए। अगर आपको पोहा की प्लेटिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।